गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर फोर्टीन पढ़ने जा रहे हैं फ्रीडम इज़ प्रेसियस यानी आज़ादी बहुत ही कीमती है इसका एहसास तो अब आपको बहुत अच्छे से हो ही गया होगा कि घरों में बैठकर हमें कितना कठिन लगता है लगता है कि बाहर निकलें बाहर निकलें तो पता चलता है ना कि हम अपनी आज़ादी की कीमत कितनी अच्छी तरह से पहचान गए हैं इसका थाट देखिए रिवोल्यूशन इज एलिनेबल राइट ऑफ मैन काइंड फ्रीडम इज इम्पेरिशेबल बर्थ राइट ऑफ ऑल क्रांति मानव जीवन का अधिकार है और आज़ादी कभी न खत्म होने वाला एक जन्म सिद्ध अधिकार है जो सभी को प्राप्त है इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए टू बी एबल टू ब्रैथ इन अ कंट्री दैट इज फ्री इज प्रिवेज ऐसे कंट्री में सांस लेना जो कि आज़ाद है ये सबका एक विशेष अधिकार है आफ्टर सेंचुरी ऑफ सेंचुरीज ऑफ सब जडिशन इंडिया वन हर फ्रीडम बाई पेइंग अवी प्राइज फॉर एट कई दशकों कई सेंचुरीज तक ग़ुलामी की दास्ता से लड़ने के बाद भारत को अपनी आज़ादी मिली जिसकी उसने बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई थाउजेंड ऑफ़ ब्रेव सन्स ऑफ इंडिया लॉस देयर लाइव फॉर द फ्रीडम दैट वी लिव इन टूडे आज जिस आज़ाद देश में हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं उसके लिए कई हज़ारों बहादुर बेटों ने अपनी जान गंवा दी थी यानी अपनी जान की बलि लगाकर उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई विथ फ्रीडम ऑल्सो कम्स द ग्रेट रेस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रिजर्विंग इट जो ये आज़ादी हमें इतनी मेहनत से मिली है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी रक्षा करें इट इज़ आर ड्यूटी टू रेस्पेक्ट आर फ्रीडम एंड एनश्योर और कंट्री रिमेंस फ्री इन एवरी वे यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आज़ादी की रेस्पेक्ट करें उसका आदर करें और पूरा ही कोशिश करें कि हमारा देश हमेशा ही स्वतंत्र बना रहे कभी किसी का ग़ुलाम न बने इसे बहुत ही अच्छी स्टोरी से समझाया आप देखिए इट was अ कोल्ड Sunday मॉर्निंग एंड मुरली was सिटिंग विद हिज फादर इन द front फ्रंट यार्ड ऑफ हिज हाउस मुरली वॉज सिंपली एन्जॉइंग द व्म सन लाइट एंड फ्लिपिंग थ्रो अ स्टोरी बुक वाइल हीज फादर मिस्टर गुप्ता वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर ओवर अ कप ऑफ टी सर्दी की सुबह का समय था मुरली अपने पिताजी के सामने अपने घर के आंगन में ही बैठा हुआ था और मुरली सुबह की सूर्य की रोशनी में एंजॉय कर रहा था और अपनी एक कहानी की बुक के पन्ने पलट रहा था जबकि उसके पिताजी मिस्टर गुप्ता चाय का चाय के कप के साथ न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे मिस्टर गुप्ता वाज़ अ रिनोन्ड जर्नलिस्ट हु हैड बीन रिपोर्टिंग क्राइम इन देयर सिटी फॉर इयर्स that explains why he loved newspaper he spent hours reading four or five different newspapers every morning and he also discussed some important developments in the country with his wife and murli a school student mr gupta एक जाने माने जर्नलिस्ट थे जर्नलिस्ट यानी अखबार न्यूज़पेपर के लिए काम करने वाले जो कि अपने शहर में क्राइम रिपोर्ट की कई सालों से क्राइम रिपोर्ट का काम कर रहे थे और इस इसी लिए उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना भी बहुत पसंद था वह कई घंटे चार या पांच तरह के न्यूज़पेपर सुबह सुबह पढ़ा करते थे और अपने देश में जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए विकास हुए उसके उसको वो अपनी पत्नी और अपने बेटे मुरली जो कि एक स्टूडेंट था उसके साथ डिस्कस भी किया करते थे दैट संडे मॉर्निंग वेन मिस्टर गुप्ता फिनिश रीडिंग हिज फर्स्ट न्यूज पेपर एंड वॉज अबाउट टू स्टार्ट द सेकेंड मुरली आस्ट फादर वाई डू यू वेस्ट सो मच टाइम इन दीज पेपर्स द रिपोर्ट्स डेट यू रीड आर यूजअली बोरिंग इवन डिस्टर्बिंग यू आर अ रिपोर्टर यूर सेल्फ एंड यू राइट अबाउट सच बैड थिंग्स एज रॉबरी चीटिंग थैप्ट किडनेपिंग एंड मर्डर डोंट यू फील सेड आफ्टर रीडिंग और राइटिंग दीज थिंग्स डोंट यू फील लाइक रीडिंग सम गुड स्टोरी बुक्स एंड एन्जॉइंग संडे की सुबह का समय था मिस्टर गुप्ता ने अपना पहला न्यूज़पेपर पढ़कर ख़त्म किया और दूसरा शुरू ही किया था तो मुरली ने अपने पिताजी से भी पूछा कि पिताजी आपको नहीं लगता कि आप इन अखबारों को पढ़कर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इसमें जो रिपोर्ट्स दी हुई हैं वो कितनी बोरिंग और परेशान करने वाली है आप तो खुद एक रिपोर्टर हैं और ऐसी जो डकैती की धोखे धोखेबाजी की चोरी की किडनैपिंग की खून खराबे की जो रिपोर्ट्स हैं आप खुद छापते हो आपको दुख नहीं होता ये सब पढ़कर और लिखकर और आपको नहीं लगता कि आपको इसकी जगह कुछ अच्छी स्टोरी बुक्स पढ़ कर अपने आप को एंजॉय करना चाहिए मिस्टर गुप्ता लाफ्ट एट द इनोसेंट क्वेश्चन ऑफ हिस सन एंड सेड टू टेल यू द ट्रूथ सन आई समाइम्स डू वॉन्ट टू रीड इंटरेस्टिंग थिंग्स लाइक चिल्ड्रन स्टोरीज पोएम्स एंड एसेज आई इवन लाइक वॉचिंग मूवीज एंड प्लेइंग क्रिकेट बट इट इज़ माई जॉब टू राइट अबाउट एवरी थिंग गुड और बैड इन आर ब्यूटिफुल कंट्री सो दैट ऑल द बैड कैन बी करेक्टेड मिस्टर गुप्ता अपने बेटे के इस मासूम से क्वेश्चन पर मुस्करा उठे और उससे बोले मैं तुम्हें सच बताऊं बेटा कि मुझे भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पसंद हैं जैसे कि बच्चों की कहानियाँ पोयम्स ऐसे मुझे भी मूवीज़ देखना क्रिकेट खेलना सब पसंद है लेकिन यह मेरा काम है कि मैं अपने देश में जो भी बातें हो रही हैं अच्छी हैं या बुरी उन सबको लिखूँ जिससे कि उन बुरी बातों को सही किया जा सके दिस आंसर कन्फ्यूज मुरली ही सेट बट वाट इज सो ब्यूटिफुल अबाउट दिस कंट्री Every day you tell us about the increasing corruption, crime, poverty. What is so good about these things? अब इस आंसर ने मुरली को confuse कर दिया वह बोला कि इस देश में क्या सुंदर है हर दिन तो आप हमें इस अखबार के थ्रू धोखेबाजी के अपराधों के गरीबी के बातें बताते रहते हो तो इसमें कौन सी महानता वाली बात हो गई मिस्टर गुप्ता फर्दर सेड एमंग मैनी थिंग्स वन क्वालिटी दैट मेक्स आर कंट्री ब्यूटीफुल इज दैट इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री वी आर ऑल सिटीजेंस ऑफ अ फ्री कंट्री वी आर नो बडी स्लेवस वी फॉर्म आर ओन गवर्नमेंट ब्रेथ इन फ्री एयर आर नॉट ऑल दिस ब्यूटिफुल मिस्टर गुप्ता ने तब कहा इन सब बातों के बाद एक जो ख़ास बात है वो हमारे देश की बहुत सुंदर है कि हमारा देश एक आज़ाद देश है हम एक आज़ाद देश के नागरिक हैं। हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं हमारी खुद की सरकार है हम खुली हवा में सांस लेते हैं ये सब बातें क्या सुंदर नहीं हैं वर्ड्स फ्री एंड इंडिपेंडेंस इन हिज फादर्स आंसर रिमाइंडेड मुरली ऑफ द स्टोरी अबाउट इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल दैट ही हैड रीड एंड हर्ड अबाउट ही हैड ऑल्सो वॉच सम ओल्ड हिंदी मूवीज दैट शोड हाउ सो मैनी इनोसेंट पीपल लॉस देयर लाइफ टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनल मास्टर्स अपने पिता के मुँह से फ्री और इंडिपेंडेंस जैसे शब्द सुनकर मुरली को याद आया कि उसने कुछ ऐसे आज़ादी की कहानियाँ पढ़ी थी और सुनी थी और इस तरह की उसने कुछ पुरानी हिंदी मूवीज़ भी देखी थी जिसमें कई मासूम लोगों की जान अपने देश को आज़ाद कराने के लिए चली गई थी ही वॉन्टेड टू नो मोर सो ही आस्क हिज फादर आई नो दैट आर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, फोर्टी सेवन आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइज ऑफ मैनी फ्रीडम फाइटर्स बट What was the need for that bloodshed? People could have gone on living as they had been for centuries. What did they achieve? By getting independence. Our country still has problems. I think we would have been better off like earlier. At least the people who died in the struggle would have lived. also आई hear इट was द ब्रिटिश who brought trains टू our कंट्री एंड सो मैनी अदर गुड थिंग्स वह और भी बहुत कुछ जानना चाहता था इसलिए उसने अपने पापा से पूछा कि मैं जानता हूँ कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था इसके लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी अपना बलिदान किया था लेकिन सब इस, इस खून खराबे की क्या जरूरत थी लोग जैसे कई साल कई सेंचुरीज से जैसे रहते आ रहे थे वैसे ही रहते रहते और इन सबको बातों की क्या ज़रूरत पड़ गई जो आज़ाद कराना पड़ा हमारे देश में वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले रहते थे वो ज़्यादा अच्छा था कम से कम जिन लोगों ने स्ट्रगल किया वो ज़िंदा तो होते मैंने सुना है कि ब्रिटिश ने ही ब्रिटिश लोगों ने ही इस देश में ट्रेन का आविष्कार किया था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन जो उन्होंने अच्छी बनाई थी मिस्टर गुप्ता वॉज इम्प्रेस टू नो दैट हिज सन न्यू क्वाइट अ बिट अबाउट इंडिया इंडिपेंडेंट एंड द करेंट स्टेट ऑफ अवेयर्स अफेयर्स बट ही डिड नॉट एग्री विद द आइडिया दैट वी माइट बीन बेटर ऑफ विदाउट इंडिपेंडेंस मिस्टर गुप्ता अपनी इस बात से बहुत इम्प्रेस हो गए कि उनके बेटे को भारत की आज़ादी के बारे में जानकारी है और आज जो करंट बातें हो रही हैं उनके बारे में भी वह जानता है लेकिन वो इस बात से सहमत नहीं थे कि भारत आज़ादी से पहले जैसा था वो ज़्यादा अच्छा था ही एक्सप्लेन यस इट इज़ ट्रू दैट दे ब्रॉड ट्रेन्स टू आर कंट्री एंड सेटअप द होल रेलवे स्टेशन रेलवे सिस्टम्स But just imagine a situation where, for example, one Mr. Saxena from a nearby city's raids our home. First, he comes alone, then, he brings his family, and then, his relatives. All of them started living in our house and declared that they are our masters. They force us to live in the gar garage and pay rent for using that space. दे कॉल यू मी एंड योर मदर देयर स्लेवस हाउ वुड यू फील अब उन्होंने इसे समझाया कि हाँ यह सही है कि वे हमारे देश में ट्रेनस लाए थे और उन्होंने पूरा रेलवे सिस्टम्स सेटअप किया था लेकिन मैं तुम्हें एक सिचुएशन बताता हूँ जिसको तुम कल्पना करो मान लो कि मिस्टर सक्सेना है वो पास के शहर से हमारे घर पर आए पहले वह अकेले आए बाद में उनकी फ़ैमिली आई और उसके बाद उनके रिश्तेदार भी आ गए सबके सब वो आकर हमारे घर में रहने लगे और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि वे सब हमारे मालिक हैं और उन्होंने उन सब ने हमें गैरेज में रहने के लिए मजबूर कर दिया और उस गैरेज का भी उन्होंने किराया लेना शुरू कर दिया वे तुम्हें मुझे और तुम्हारी मम्मी को दास कहना शुरू कर दिया उन्होंने मतलब अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया तुम्हें कैसा फील होगा बिफोर मुरली कुड से नथिंग एनीथिंग मिस्टर गुप्ता अगेन बिगिन ऑल्सो सपोज दैट मिस्टर सक्सेना इज अ टेक्नोलॉजिकल जीनियस ही हैज़ डेवलप्ड अ सिस्टम बाय विच वन डज नॉट रिक्वायर टू वॉक टू गो फ्रॉम वन रूम टू अनदर अ पर्सन कैन सिंपली प्रेस ए बटन एंड द होल रूम इट सेल्फ कम्स टू द पर्सन्स ही हैज़ इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम्स इन आर हाउस सो दैट ही कैन क्विकली फाइंड द ब्यूटिफुल पेंटिंग्स एंड डेकोरेशंस दैट वी हैव इन आर डिफरेंट रूम्स ही वॉन्ट्स टू फाइंड दैम क्विकली रिमूव डैम फ्रॉम देअर प्लेस एंड सेंड डैम टू हिज ओन हाउस इन द नियर बाय सिटीज तब मिस्टर गुप्ता ने मुरली कुछ कहे इससे पहले मिसटर गुप्ता ने वापस कहना शुरू किया मान लो कि मिस्टर सक्सेना जो है वो बहुत ही अच्छी उनको टेक्निक्स की जानकारी है उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत न पड़े एक रूम से दूसरे रूम में और सिर्फ एक बटन दबा दो जिससे कि वो पूरा का पूरा रूम उस इंसान के पास तक आ जाए उन्होंने इस सिस्टम को हमारे घर में इंट्रोड्यूस किया जिससे कि हमारे घर की जितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स थी डेकोरेशंस थी जो हम अपने हमने अपने अलग अलग कमरों में लगा रखी हैं उन सब को उन्होंने जल्दी से जल्दी वहाँ से हटाकर अपने घर में जो कि पास के शहर में था वहाँ भेजना शुरू कर दिया मुरली लुक अ लिटिल ग्रीम ही इंटरप्टेड इज फादर एंड सेड इन अ सीरियस वॉइस आई वुड गेट अ केन फ्रॉम आर गार्डन एंड बीट डैम ऑल ब्लैक एंड ब्लू आई विल बीट दैम सो हार्ट देट दे विल लीव आर होम एंड नेवर डेयर टू कम बैक हेयर अब उसके पापा कुछ कहते इससे पहले ही मुरली जो कि गुस्से में भर गया था उसने अपने पापा को बीच में रोक कर तेज आवाज़ में कहा कि मैं एक बड़ा सा डंडा हमारे गार्डन से लाऊँगा उन्हें मार कर नाल नीला बीला कर दूँगा काला नीला कर दूँगा और इतना तेज मारूँगा कि वे हमारे घर को छोड़ कर चले जाएंगे और वापस कभी नहीं आएंगे मिस्टर गुप्ता लाफ्ट हार्टली देन लुक एट हिस सन अफेक्शनेटली एंड सेड होप यू नो नाउ नो वाई आर फोर फादर्स फॉर द ब्रिटिश इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। मिस्टर गुप्ता दिल से तेजी से हंसने लगे और अपने बेटे को प्यार से देखते हुए बोले कि मुझे उम्मीद है कि अब तुम समझ गए होंगे कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने अपनी जान के बदले में ब्रिटिशर्स से लड़के क्यों आज़ादी दिलाई मुरली स्माइल्ड एंड सेड यस मुरली ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ तो बच्चों इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि आज़ादी बहुत ही कीमती है हमें उसकी कद्र करनी चाहिए जब हम अपने घर में किसी का बंधन नहीं स्वीकार कर सकते तो देश में कैसे स्वीकार कर सकते हैं हमें ऐसे बनाए रखना है कभी किसी का ग़ुलाम नहीं बनना धन्यवाद